आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने वायु के बारे में अध्ययन किया, आइए इस वीडियो में जल यानी कि वाटर का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जल हम कहां उपयोग करते हैं? इसका उपयोग हम प्यास बुझाने, नहाने, कपड़े धोने और अन्य कई चीजों में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कितना जल मौजूद है? नीले रंग का जो हिस्सा आप देख सकते हैं वह जल है और ये लगभग 75% है। इसलिए पृथ्वी की कुल सतह का 75% हिस्सा जल से ढका हुआ है। दोस्तों, आपके घर पर जल कहां से आता है? नल से। लेकिन नल में जल कहां से आता है? सोचिए, पास की नदियों, झीलों और भूमिगत जल से नल में जल खींचा जाता है। तो ये जल के स्रोत है। क्या आप जल के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? वे बारिश, महासागर, समुद्र और बर्फ से ढके पहाड़ है। समुद्र से याद आया, क्या आप कभी समुद्र तट पर गए? हम सभी समुद्र तट पर गए हैं, यहां तक कि जल का स्वाद भी लिया है। समुद्री जल का स्वाद कैसा होता है? खारा। पर कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बारिश चट्टानों से लवणों को अपवाह के माध्यम से नदियों से होते हुए समुद्र में ले जाती है। तो दोस्तों, पता चला आपको समुद्र का जल खारा क्यों होता है? दोस्तों, ये तो पता ही है, इंसान, जानवर और पौधे सभी को जल की जरूरत होती है। आइए जानते हैं जल कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि शरीर के अंदर होने वाली सभी कोशिकीय प्रतिक्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्या आपको रेगिस्तान में पौधे और जानवर दिखाई देते हैं? बहुत कम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में झील, नदी या अन्य जल के स्रोत नहीं पाए जाते। इसलिए अब आप समझ सकते हैं कैसे जल एक क्षेत्र की जैव विविधता का निर्णय करता है। पर क्या होगा अगर यह जल दूषित होने लगे? जल प्रदूषण की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं, जैसे आंत्रज्वर, हैजा आदि। वास्तव में जल प्रदूषण के कारण जलीय जंतु भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? क्या आपको पता है? चलिए जानते हैं। कारखानों में हानिकारक रसायन उत्पन्न होते हैं। इसी हानिकारक रसायनों को पास के जलाशय में डाल दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि सिंक, बाथटब, शावर, शौचालय से अपशिष्ट जल कहा जाता है? अपशिष्ट जल पास के जलाशय में डाल दिया जाता है, जिससे जलाशय का साफ जल भी गंदा हो जाता है। यही नहीं, किसानों द्वारा कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग भी जल को प्रदूषित करता है। दोस्तों, अगर ऑक्सीजन जैसे उपयोगी पदार्थ को जल से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? जरा सोचो, जलीय पौधों और जानवरों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वे अंत में मर जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह का परिवर्तन जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो, जल प्रदूषण माना जाता है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कभी कभी जल निकायों के तापमान परिवर्तन से भी जल प्रदूषण होता है। पर कैसे? आइए देखते। जलीय जीव एक निश्चित तापमान पर ही जीवित रहते हैं। तापमान के परिवर्तन से जलीय पौधे और जानवर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। कारखाने जैसे ताप विद्युत संयंत्र ठंडा जल जलाशय से लेते हैं और गर्म जल को उसी जलाशय में बहा देते हैं। इससे जल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जलीय पौधे और जानवर का जीवन अत्यधिक प्रभावित होते हैं। क्या इसे रोका जा सकता है? जी हां, जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। पर कैसे? आइए जानते हैं। उर्वरकों के बजाय खाद का उपयोग करके, पानी में कूड़ा ना फेंककर, सिंक या टॉयलेट में रसायन ना फेंकने से जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। इस वीडियो में हमने क्या देखा? जल, जल का महत्व, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के कारण और परिणाम। अगले वीडियो में मृदा और मृदा अपरदन के बारे में अध्ययन करेंगे।